As the name suggests, Gopal Krishna is the story based on the Krishna, the universal god of love. We also know that Krishna was the master of music, dance and drama, and all the three things have been vital parts of performing arts. 1938 brings in a film that was based not only on the mythology but also dealing with the social economical conditions of the country. कितने मगरूर हैं वो लोग? क्यों मेहमान जी, इतनी बड़ी फौज की परवरिश से क्या फायदा? इस फौज से राजा प्रजा की हिफाजत करता है और अपने देश की ताकत बढ़ाता है। ताकत बढ़ाता है या घटाता? ये किस तरह? ताकत घटती कैसे है? फौज बेकार न रहे इसलिए राजा लड़ाई करता है और लड़ाई छिड़ जाने से हजारों लाखों का खून बहता है, फिर इससे ताकत बढ़ती है या घटती? Vijay ji, most of the films that were based on the life of Krishna were mythology or religious based, hai na? Kuch aisa tha. Is film mein aisi kya khas baat thi aur kya naya nayab cheez thi is film mein? Shri Krishna ke bare mein banayi hui filmon mein hamesha Krishna ko ek super human dikhaya jata hai. But in this film, Shri Krishna is portrayed more than as a common man rather than a superhuman or god. ऐसे बोलूंगी, बाकी फिल्मों में कृष्ण सबको मारता है, मार खाता नहीं, लेकिन ये फिल्म में कृष्ण मार खाता भी है, मार देता भी है। अच्छा अच्छा, ऐसे एक कॉमन मैन दिखाया है कृष्ण को। आज़ादी के पहले की फिल्मों में ये एंटी ब्रिटिश थॉट्स और एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स आया करता था, एक्शन में नहीं, डायलॉग्स में। इसमें भी डायलॉग्स में वो एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स भर दिया है। सो देयर वाज अ क्लियर सिमिली बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कृष्णा एंड कम्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश राज। हुकूमत की ताकत से अंधे बने हुए राजा और उसके कर्मचारियों को इससे क्या? हम अपनी गायें नहीं देते, ये सुनते ही उस उम्मते किसी ने हम लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जो गाय अपने दूध से हमें बलवान बनाती है, अपनी संतान से भूमि का वैभव बढ़ाती है, उसी गाय को मरे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाने वाले और उसे चारा पानी बिना तड़पाने वाले इन बदमाशों को लातों से कुचल कुचल कर मारना चाहिए या नहीं? नाचत झूमत जारे अब इस फिल्म के गानों के ग्रामफोन रिकॉर्ड में एक ट्राई कलर फ्लैग भी छपा दिया उन्होंने। निर्देशक फतेहलाल और दामले जी को लगा कि प्रभात नगरी को गोकुल बनाने का है, लेकिन पुणे में इतने गाय नहीं है। फिर क्या किया, डोंबिवली से रेल के जरिए गाय को पुणे में पहुंचा दिया। We can see that in today's technology we have the equipment and the software and the machines that can multiply images on screen, and frame to frame cutting and editing is much easier, but at that time they had to literally take all the cows from one city to another to create an arena of a place that's full of cows. Kanhaiya, is durghatna ke baad Kans Maharaj ko kiye bina na rahenge, kal ka utsav kis tarah pura hoga? अभी से मुझे इसका डर मालूम हो रहा है। अगर इस तरह हमेशा हम कंस के कोप से डरने लगे तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। We can clearly see here how nationalism, the spirit of nationalism is being helped and spread through media, media being the film. The film was evoking those emotions in every individual who is coming to see how we can unite together and say what we have to say in a unified voice.